नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, हूँ हसन परवास। एक नवा वीडियो का नाम आज हम कल करेंगे रेडियो की अहमियत के बारे में, क्योंकि 13 फरवरी को दिन रेडियो को आलमी दिन मनाया जाए। रेडियो की अहमियत और अफादियत ना तकता हुआ स्पेनिश रेडियो अकेडमी ने 20 सितंबर 2010 में आलमी रेडियो दिवस मनाने की तजवीज रखी थी। यूनेस्को ने 2011 में यह मान ली और फिर 13 फरवरी को दिन मुकर्रर हो गयो रेडियो वो आलमी दिन मनाने वास्ते। तो हर साल बख-बख थीम इस वास्ते तय किया जाए, उनके ऊपर प्रोग्राम किया जाए, जानकारी दी जाए और फिर उसके मुताबिक जो है प्रोग्राम किया जाए। रेडियो अपने अंदर तब्दीली लिया हुआ, उस तरीका के नाल वो अपना प्रोग्राम तश्कील दे और हमारा वजीर आजम ने इस चीज ने तस्लीम की है कि मैं रेडियो की अहमियत ना बड़ा करीब तू महसूस की हो जाने हो और मेरी जड़ी मन की बात है वह इसकी तस्दीक है। रेडियो को इतना खजानू है, नहेश खजानू जितना तम कहेगा मारा लोक संगीत को जड़ों के बाकी जगह ताना नहीं मिल सकते। उनकी अदायगी किस जगह में किस तरीका का नाल हो जाए, लोग किस अंदाज में गावे, उनकी जबान की है, फिर उनका खाइबा की है, उनको लिबास की है, उनका जेवरात के हैं, उनकी लोक खेड के हैं, उनको इलाज करने को लोक तरीकों की है, बहुत सारी चीज जड़ी है हमारी तहजीब तमदन जुड़ी हुई वे रेडियो का प्रोग्राम शामिल है ताकि मालूम के नाल नाल लोग का ना उनकी जड़ों के नाल भी जुड़ जा सके। रेडियो की के अहमियत है, के फादियत है और समाज वास्ते इसकी के खिदमत रही है बख बख ओकतम इसकी अहमियत बारे जानना बहुत बड़ा जरूरी है। असल में जब तू जाओ इंसान धरती पर आयो समाजी जिंदगी गुजारन लगो तो आपस में तलकात बनान जोड़न अपनी गल दूजा थोड़ी पहचान का बख बख जरिया इस्तेमाल किया कि सैनिया नाल अपनी गल पहचाने की कोशिश की, फिर आस्ते आस्ते बोल वजूद में आया और बोलों का जरिया अपना अपना मुतारफ करवाया दूजा थोड़ी पहचान की कोशिश की। लेकिन जो जो यह दुनिया बदलती गई इसकी जरूरियात भी बदलती गई। इन जरूरियात ना देरता में एक जरूरत महसूस हुई 19वीं सदी में कि ऐसी गाय तकनीक ईजाद की जाए जड़ी कि ज्यादा लोगों तोड़ी पहुंच सके और स्नेह जड़ो है वो ज्यादा लोगों तोड़ी पहुंचाया जा सके, सरकार की तरफ या फिर बख-बख अदार की तरफ। तो इस तरह रेडियो वेव जड़ी है जिन्होंने हम रेडियो तरंग कह सका हेनरिच हर्ट्ज ने ईजाद की और इसे बुनियाद पर ट्रांसमीटर के जरिए पैदा कीजिए जिसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में और इन फ्रीक्वेंसीज के जरिए ये चफेरी का माहौल में खिंडे और जित थोड़ी इनकी पहुंच है वो थोड़ी ये जे और लोगों थोड़ी वह गल जड़ी है वह उस ट्रांसमीटर के जरिए उन तरंगा के जरिए रेडियो सेट थोड़ी पहुंचा और लोग फिर रेडियो सेट भी गल सुन ले और उनका जानकारी हासिल करे। खास करके अगर हम अपना मुल्क की गल करें तो तकसीम मुल्क तो पहला ये सिर्फ 14 रेडियो स्टेशन था। जरा मैं पहला आज क्योंकि हिंदुस्तान में नशरियात को पहलो तजर्बो 1921 में बंबई में डाक तार महकमा का तालमेल के नाल शुरू की हुई थो और पहलो रेडियो क्लब कायम हुए थो। फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी सर इब्राहिम रहमतुल्ला की सरपरस्ती में बनी और बंबई में 23 जुलाई 1927 में एक रेडियो स्टेशन बनायो गयो और फिर उस तो बाद कलकत्ता में रेडियो स्टेशन बनियो। तो सब तो पुराना जो रेडियो स्टेशन है बंबई और कलकत्ता का था। फिर मकसद यो थो कि मता लोगों तो भी आसान जरिया नाल गल किस तरह पहुंचाई जाए। तूफान का खतरनाक मनाजर में या जलजला की तबाहकारी में जंग हालात में या फिर वबा की तबाही में तो इन सारी चीजों में जिस तरह तमाम जरिया टूट जाए काम करने छोड़ दें उसलिए सिर्फ वाहिद जरिया के रेडियो तरंगा का जरिया लोगों थोड़ी गल पहुंच सके जो एक ऐसा सस्तो जरियो कि जो हर एक का बसमब है और तुम काम करता भी इसने सुन सकें काम करता भी इसने इस्तेमाल कर सकें और इसलिए दुनिया में सब तो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जरियो रेडियो। अगर हम अपना मुल्क की गल करें तो 92% रकबो जो है उसके ऊपर रेडियो की पहुंच है और 98% तो ज्यादा आबादी रेडियो के नाल जुड़ी हुई है यानी रेडियो की पहुंच मुल्क का हर कोना हर बस्ती हर फर्द तोड़ी है। तो हर फर्द तोड़ी इसना आसान बनाने वास्ते वक्त के नाल नाल बदलनू रेडियो को तौर तरीको रही है। पहला जो निजाम शुरू हुए थे उसमें तब्दीली आती गई, तकनीक में सुधार होते गयो और वे तकनीक जड़ी है वे जुड़ती गई
और हूं तो हम चलती गड्डी में रेडियो सुन सकें, अपना मोबाइल में रेडियो सुन सकें, और जित किधर भी बैठा वे पहाड़ा पर वे किधर अपना माल पारवों नाल वे उत भी रेडियो जरूर वो थारो संगी या थारो साथी है। जो सिर्फ तफरी को एक जरियो नहीं है बल्कि मालूमात को भी एक बहुत बड़ो जरियो है। तो जनाब अगर हम 2021 का वाला नाल गल करें तो इस साल जो थीम रखी हुई है रेडियो वो है कि न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, यानी बदलती दुनिया के नाल नाल बदल तो रेडियो, नवी दुनिया नवी रेडियो। तो इसका जैली त्रै थीम जड़े वे रखे गया, यानी खास नुकता रखे गया जिनके ऊपर ज्यादा जड़ो गौर की हो जाए और ज्यादा जिनके ऊपर तवज्जो दे जड़ा ज्यादा हमारी जिंदगी के नाल जुड़िया, जिसने अंग्रेजी में एवोल्यूशन की, जिसको मतलब है कि यूं दुनिया में तब्दीली आवे रेडियो उनके मुताबिक अपना प्रोग्राम तो तकनीक में तब्दीली लिया और अपनी पायेदारी यानी अपना पक्यातना और डाडो करे और इसके अंदर वे चीज शामिल करे जड़ी लोगों की जरूरत की है, यानी लोगों की नब्ज पर तमने अंगली रखनी है और लोगों की नब्ज के मुताबिक प्रोग्राम बनाना है और उन्हें थोड़ी बचाना है। फिर उस तो बाद है नवी ऐजाद इनोवेशन। तो जाहिर है कि दुनिया जड़ी है वह बदलती रहे, इसमें नवी नवी ऐजाद होती रहे, नवा नवा तकनीकी जरिया सामने आता रहे, तकनीकी जड़ी है वे तब्दीली आए दिन देखने में आती रहे। तो रेडियो इन सारियों पर नजर रखे और इन पर अमल करता हुआ और जरूरत के मुताबिक अपना प्रोग्राम के अंदर नवी ऐजाद नवी तखलीक करें और हर जगह हर फर्द तोड़ी पहुंचने की बड़ी सोहनी कोशिश करें अपनी तकनीक और जराए के मुताबिक। फिर सब तो जड़ो अहम नुकतो है वो है जोड़, यानी कनेक्शन। सब तो या अहम सिफत है रेडियो की, जैसे तमाम जरिया खत्म हो जाए सिर्फ रेडियो वायदा है जरियो बचे जड़ों के लोगों ना ज्यादा तो ज्यादा जोड़ सके और ज्यादा तो ज्यादा लोगों को अपनी गल पहुंचा सके, भावे कुदरती आफात का हुलाक मनाजर में जो हमें पहला अर्ज किया था, या तूफान की तबाहकारी में, जलजलों में या जंगा हालात में, वबा वे या हादसा में, रेडियो अवामी खिदमात में पेश हमेशा रहे और अगे भी इसे तरह काम करते रहेगा। इसकी सब तो बड़ी खूबी ये है, अगर वो छह सिफात थारे सामने रखोगे तो मेरा नाम मुतफिक बेंगा, ये एक तो ये सब तो सस्तो जरियो है और दूजे इस्तेमाल में आने वालों सब तो ज्यादा जरियो है, यानी मुच लोगों के नाल जो जुड़े हुए है। अगर मकामी हालात वकियात ना ध्यान में रखा तो बख बख प्रोग्राम इसमें बनाया जी, जरा कि एक तो लोगों ने जानकारी भी दी जाए, मसल कोई नवो कानून आ गयो, का नवी चीज मुतारफ हुई है, का नवी ऐजाद हुई है उसके बारे लोगों ने जानकारी दी जाए, का बीमारी है तो उस बारे लोगों ने जानकारी दी जाए, का तब्दीली है तो उस बारे लोगों ने जानकारी दी जाए, बख बख तरक्याती स्कीम है तो उस बारे जानकारी दी जाए और मतलका वो धाराना जो उसमें शामिल की हो जाए और उस तरीका का ना प्रोग्राम बना के मियारी तौर पर लोगों को पहुंचावे, फिर जानकारी ते तफरी जो मुफ्त जरिए, यानी बाकी जितना भी जरिया है जनाब तमने उस पैसा खर्चना है, इंटरनेट का पैसा देना है, टीवी लाने तो अगर डिश नाल तम काम चलावेगा तो जाहिर है कि डिश का पैसा महीना का तौर पर भरना है तमने। छेवीं सिफत है वाय हंगामे हालात में इसको कलीदी छोड़। श्रीनगर में सैलाब आयो तो रेडियो ने उत्कम की, रेडियो ने लोगों तोड़ी पैगाम पहुंचाया, बर्फ की माणिया में फंस गए तो उत रेडियो का पैगाम जड़े में पहुंचा, पीर पंजाल का पहाड़ा पर अगर कोई आजड़ी बकरियां के नाल फंस गई या कोई होर लोग फंस गए तो रेडियो ही वायद जरियो जड़ो उत तोड़ी पहुंच सके और लोगों ने उस तूफान तो उस तो बचाया जा सके, वह खबर उन तोड़ी पहुंचाई जा सके या मौसम की इतला दी जा सके ताकि लोग उसके ऊपर अमल कर गए फिर अपना सफर अगे जारी कर सके। जंग हालात में जनाब रेडियो जड़ो है इसको मुतबादल देंगे, छोटो जो सेट है वो तो हम अपने नाल ले गए किधर भी बैठ सकें, किधर भी जा सकें, किधर भी सुन सकें, किधर भी जानकारी हासिल कर सकें जड़ी कि तम दूजा जराए तो हासिल नहीं कर सकता। रेडियो करोड़ों लोगों तोड़ी यकमुश्त में गल पहुंचा सके, तो रेडियो की या अहमियत या फादियत है और या खूबी है कि एक तो इसमें पाकिजगी तकदस को ख्याल रखे जाए, यानी कि इसमें फाश कलामी नहीं होती, तम अपना कुंभा परिवार में बहस कर इसका प्रोग्राम सुन सकें, दूसरों जड़ी जानकारी वे इसकी वे बड़ी जड़ी तहकीक के नाल दी जाए, उनका पर बड़ी खोज की जाए और बाकायदा उनके ऊपर तसल्ली होने के बाद वे लोगों को भी बचाए जाए,
यानी कि जना पहला उशमुशम चीज कह छुड़ी और बाद में माफी मांग ली कि जनाब जानकारी जी कल दे छुड़ी थी लहजा माजरत खवा रेडियो में यह चीज नहीं होती। रेडियो में अगर तुम का गलबात कर रहे हैं या कोई मुबासो बहस मुबासो कर रहे हैं ध्यान रखे जाए कि किसी का जज्बात मजरू ना में एक फिरका वाराना भाईचारा जुड़ो है वो कायम रखे जाए रेडियो का प्रोग्राम आज की। तो आज का वीडियो में बस इतनी गल, फिर मिलांगा एक नवा वीडियो के नाम। सब्सक्राइब जरूर करियो ताकि और वीडियो की नोटिफिकेशन थरा तो पहुंचती रहे।